सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो, लाइक आपके मोबाइल में अगर आप वेब सर्फिंग करते हो, या अगर आपने डे टू डे लाइफ में हमेशा जो है आपका इंटरनेट जो है यूज़ किया होगा थ्रू वेरियस ब्राउज़र, तो अगर आपकी जो सर्च एक्टिविटी होती है वो एक्चुअली जो है गूगल के द्वारा ट्रैक की जाती है, और कभी आपने उस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं होगा कि आपका डेटा जो है कितना सेव है जो गूगल के एक्टिव, मतलब गूगल का जो ऐप है, गूगल के पास जो मतलब ट्रैक इंजन है उसके अंदर कितना डेटा जो है आपका सेव है। तो आप उस चीज़ को कैसे ट्रैक कर सकते हो या आप उस चीज़ को कैसे डिलीट कर सकते हो, और क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो होता है वो मतलब ऑटो डिलीट का जो सेक्शन होता है वो ऑफ होता है, तो आपको वो इनेबल करना भी ज़रूरी है ताकि वो गार्बेज जो है आपके मोबाइल के वेब एक्टिविटी में जो है वो स्टोर ना हो बल्कि वो वैनिश हो जाए। तो यस, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑटो डिलीट कर सकते हो, आप कैसे उसके लिए टाइम सेट कर सकते हो। सो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका गूगल का जो ऐप है, बेसिक जो आपका गूगल का ऐप है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे, देखो आपको उसके लिए मतलब माय अकाउंट्स में जाने की, जो गूगल का जो होता है उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से ही मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, और ये सभी डिवाइस में भी काम करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, मोर सेक्शन में आना है। मोर सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च हिस्ट्री दिखाई देगा। जैसे आप सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो सर्च हिस्ट्री ये लोड हो जाएगा आपका accounts.google.com यहाँ पर, और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई देगा, ऑटो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो गाइज, आप यहाँ पर जो है आपका जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे जो है आपकी सर्च हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी जो आपने सर्च किया है गाइज, ठीक है। सो अभी यहाँ पे ऑटो डिलीट का फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो भी रिकॉर्ड्स है जो ऑलरेडी जो सेव हो चुका है, और जैसा आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे ये कभी खत्म नहीं होगा, जब क्योंकि आपने इसको जो है पहले कभी भी जो है यहां पर डिलीट नहीं किया हुआ है गाइस, तो आपको इसको ऑटोमेटिकली डिलीट करना है। तो कैसे करोगे आप, सो ऑटो डिलीट के ऑप्शन पे जैसे मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, जैसे आपने देखा बाय डिफॉल्ट यहां पर आता है डोंट ऑटो डिलीट, सो आप इसको कर सकते हो। जैसे कि यहां पर बहुत अच्छा खासा आपको टाइम टेन्योर दिया गया, जैसे अगर आप 3 महीने पर डिलीट करना चाहते हो तो इट्स फाइन, आपका डेटा जो है गूगल के पास जो है वेब एक्टिविटी में 3 महीने तक स्टोर होगा। अगर आप चाहते हो 1.5 साल तक के लिए तो आप 18 महीने पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि ये भी बहुत टाइम मतलब ज़्यादा ही टाइम होता है। सो 18 महीने यानी 1.5 साल तक के लिए भी, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने आज डिलीट किया और आपको जो है 2 या 4 साल के बाद याद आ रहा है, अगर वैसा भी केस है तो आप यहाँ पर कर सकते हो ऑटो डिलीट एक्टिविटी ओल्डर दैन 36 मंथ, यानी जो भी एक्टिविटी गूगल ने ट्रैक करी हुई है वो 36 मंथ के अगर उससे ज़्यादा हो चुका है तो वो उस चीज़ को ऑटो डिलीट कर देगा। सो गाइस, मेरे हिसाब से ये जो है प्रॉपर है, आप 18 मंथ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो या 36 मंथ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो होता है डोंट ऑटो डिलीट होता है, तो आप उसको स्विच ज़रूर से करें, ये आपके लिए और सभी के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा गाइस। सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। सो यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है, अभी आप देख सकते हो डिलीटिंग नाउ, तो आपका यहाँ पर डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 3 साल पुराना, जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ 36 मंथ, तो उसके पहले के जितने भी सर्च हिस्ट्री है या जो भी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, आपको एक एक को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो यहाँ पे आप फिल्टर बाय डेट एंड प्रोडक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लाइक अगर आप चाहते हो आपने इमेज सर्च जो है उसको ही डिलीट करना है तो आप उसको जो है वहाँ पर डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डेट आप मेंशन कर सकते हो, जैसे ऑलवेज लिखा हुआ है या फिर आप देख पा रहे हो आफ्टर एंड बिफोर, सो ये आप आपके अकॉर्डिंग सेट करके आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपका डेटा जो है डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं इस तरह यहाँ पर कर देता हूँ ऑटो डिलीट, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो ये कर लिया हमने कंफर्म, और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रेफरेंस सेव्ड हो चुका है, अभी मेरा जो भी डेटा 36 मंथ से जूना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है और आपका काम यहाँ पे हो जाता है ओवर, राइट गाइज। सो गाइज, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।